सब्सक्राइब कीजिए माय एक्साइटिंग व्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट व्लॉग सबसे पहले देखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे एसयूवी की बात करें, नॉर्मल एसयूवी की, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितने से होने वाली है? 5 लाख प्लस में आपको एसयूवी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो व्हाट्सअप में एटी फैमिली, दिस इज अ फ्रेंड मोहित बैक विद अदर सुपर डुपर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग है बेसिकली एसयूवी पे स्पेशल है, क्योंकि आप में से काफी भाई डिमांड कर रहे थे कि भाई एसयूवी लाए, तो फाइनली आज के व्लॉग में हम आपको टोटली एसयूवी दिखाने वाले, जिसमें आपकी टोयोटा भी आ गई, ह्युंडई भी आ गई और भी ब्रांड आ गए बहुत सारे। सो ये तो गाइस सारी आपको चीजें बाद में दिखाऊंगा, तो चलिए पहले मिला दूं आपको विजय भाई से। काफी भाई आप में से मिस भी कर रहे थे। कैसे विजय भाई? मैं पहले ही मिल चुका हूँ। सही बात है भाई। सो विजय भाई, ये बताइए, आज के में हम एसयूवी दिखा रहे हैं। बिल्कुल। सो बताओ कौन कौन सी एसयूवी आने वाली है, कुछ बताओ। वैसे आपने हिंट तो दे ही दिया। हाँ जी, तो कार के पास ले जाके ही दिखाएंगे। तो गाइस एक बार बता दूँ, वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो सबसे ज़्यादा डिमांड में गाड़ी है, टोयोटा फॉर्चुनर। फॉर्चुनर हमने आज आपके लिए स्टॉक में कवर की है, उसके अलावा भी और बहुत सारे ब्रांड कवर किए। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि व्लॉग को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, एंड कोई भी आपको डिटेल चाहिए आपके सामने नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, आप कॉन्टैक्ट कर लें एंड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। प्लस गैस एक आपसे और विजय भाई बात शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग के शुरू में ही पहले आपको बता दूँ, ताकि आप इन फ्यूचर जब भी कोई भाई के ब्लॉग देखते हैं, आप उनको फॉलो करते हैं, तो आप कहीं गलती से कहीं गलत अकाउंट में पैसे ना डाल दें। मेन वही इसीलिए मैं आया हूँ, क्योंकि बहुत से फेक पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे भी बाबा लग्जरी कार के नाम से, एंड इवन यूट्यूब पे चैनल भी बन चुके हैं जो फेक हैं। ओके, तो उसी को ही मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ आज। मैं मोबाइल में भी दिखाऊंगा कि कौन सा ओरिजिनल है, ताकि सब लोगों तक ओरिजिनल अपडेट पहुँचे, क्योंकि आपको पता ही है फेक अपडेट्स कितने होते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको आज मोबाइल में दिखा देता हूँ कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा फेक है। तो जब भी आप, ये मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है, जब भी आप ओपन करेंगे तो सर्च में आप जब जाएंगे और लिखेंगे बाबा लग्जरी कार, तो आपको ये तीन अकाउंट्स दिखेंगे, जिसमें से एक हमारा ओरिजिनल है, जो है ये ब्लू वाला, जिसमें है सिर्फ बाबा लग्जरी कार, BABALUXURY कार, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट तक 141K फॉलोअर्स हैं। अगर आप दूसरे पे जाते हैं जिसमें बाबा लग्जरी कार है, जिसमें डबल आर है, तो ये हमारा फेक पेज है, इसमें भी 9600 हैं, बट ये पूरा फेक है, ये हमारी कॉपी करी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं फ़ोन की भी डाली हुई है, इवन हमारे नंबर्स भी हैं, बट ये पूरा फेक पेज है। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि इस पे इसको रिपोर्ट करना, जो भी लोग देख रहे हैं जिस पे आपको फ़ोन की वीडियो भी दिखती हैं कभी कभार, तो इसको आप रिपोर्ट कर देना, क्योंकि ये फेक है। एंड इवन थर्ड एक और है, जिसमें भी हज़ार हैं, जिसमें भी कई सारी हमारा पेज की फ़ोटोज़ हैं, तो ये टोटली फेक पेजेस हैं, इसको आप रिपोर्ट करना। और जो ओरिजिनल है, जिस पे आज की डेट तक अप्रॉक्सीमेटली 141K फॉलोअर्स हैं, इसी को ही फॉलो करना, क्योंकि यही ओरिजिनल पेज है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप गाड़ी की डिटेल ही देखेंगे, और कोई किसी तरीके का प्रोडक्ट हम सेल नहीं करते, सिर्फ हम कार्स में ही डील करते हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल पेज है। और साथ ही साथ YouTube का भी बताऊंगा, जब भी आप YouTube ओपन करते हैं तो सर्च में जब आप लिखेंगे बाबा लग्जरी कार, तो आपको सिर्फ कार ही लिखना है, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल नेम है, बाबा लग्जरी कार, नॉट कार्स, नॉट कार, डबल आर। जिसमें आप देखेंगे फर्स्ट 74K सब्सक्राइबर आज की डेट तक हैं, वही हमारा ओरिजिनल चैनल है, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कार की वीडियोस देखेंगे जो हमारे पेज पे आती है, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं है, और इस पे हैं अभी तक 74K सब्सक्राइबर्स। और गाइस जल्दी से जाके भाई को फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लस। एंड गाइस ये है मेरा पेज, जिन पे विजय भाई की बाबा लग्जरी कार की वीडियोस आती है, तो इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो माय एक्साइटिंग व्लॉग्स को, ठीक है ना? क्यों विजय भाई? बिल्कुल, प्रमोशन होना चाहिए, दोनों भाई को होना चाहिए ना भाई? बिल्कुल, दोनों का ही होना चाहिए। तो देखा होगा आपने, जो मैंने आपको इंस्टाग्राम का पेज दिखाया, कितने सारे फेक पेज थे, इवन यूट्यूब पे भी कई सारे बाबा लग्जरी कार के नाम से फेक चैनल थे, तो उन सबको रिपोर्ट कर देना, क्योंकि वो सारे फेक हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी मिसकंसेप्शन होती है लेटेस्ट स्टॉक के रिगार्डिंग। तो और जो हमारा ओरिजिनल है, उसी को ही फॉलो करना,
तो उसी को ही करोगे तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेंगे। और गाइस एक बार बता दूँ, जो भी हम कार कवर करते हैं, जो भी मतलब आपको रेगुलर अपडेट चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल जो इनकी यूट्यूब पे वीडियोस आती है, जो मेरे चैनल पे आती है, आप वहीं पे जाके फॉलो करो। एंड बता दूँ बाबा लग्जरी कार के यूट्यूब चैनल का लिंक एंड इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सीधा वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है एंड सीधा आप इनके मेन पेज पर पहुँचोगे जहाँ पर एट द टाइम इंस्टाग्राम पर इनके 141,000 फॉलोअर्स है। एंड उधर ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इनका मेन पेज का यूट्यूब पेज का लिंक मिलेगा जहाँ पे इनके अराउंड अभी 74,000 सब्सक्राइबर्स है। तो बस वहीं पे जाके फॉलो करना। रीजन इज दैट यार कि आप सब भाइयों की मेहनत की कमाई है, हम नहीं चाहते कि कहीं आप दूसरे फेक पेज के चक्कर में ना कहीं गलती से अपने पैसे कहीं और किसी और को बिल्कुल वो करवा दें, कमा दें अपने पैसे। इस वजह से जो हमने बना रखा है ऑफिशियल जो हमारा अकाउंट है उसी को ही फॉलो करना, इवन सब्सक्राइब जो यूट्यूब पे है चैनल एंड इंस्टाग्राम पे है, बस हमारे दो ही जगह हैं, तो ओरिजिनल को ही फॉलो करते रहना। एंड गाइस बता दूँ फेक पेज जो है उसको जाके रिपोर्ट करें यार, क्योंकि एक ही इनका ओरिजिनल पेज है जिन पे अराउंड इनके 141,000 फॉलोअर्स है, उन्हीं को जाके फॉलो करना। भाई साहब हमारी फॉलोअर बढ़ा दे यार थोड़े, और हाँ इनको भी फॉलो करना यार, फॉलो करना गाइस। प्लस बता दूँ कोई भी रेगुलर आपको अपडेट चाहिए होते हैं कार की, जितनी भी हम कवर करते हैं तो सारे अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं और शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। सो गाइस एक बार बता दूँ, बोला था एसयूवी से ब्लॉग है, तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं फॉर्चुनर से कर रहे हैं। पहले हम आपको एक व्हाइट कलर की दिखाएंगे एंड एक आपको एक ग्रे कलर की फॉर्चुनर दिखाने वाले हैं। सो भाई ये तो स्टार्ट कौन सी कार से करें? राइट साइड में हमारे व्हाइट टोयोटा है, हाँ जी फॉर्चुनर, तो वही दिखाएंगे सबसे पहले। ओके सो गाइस सबसे पहले हम आते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल पर। भाई ये तो फ्रंट में इस कार में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? ये फ्रंट में आपको सामने सबसे पहले नजर जाएगी जो बोनेट पे इसका हुड है, एयर इनटेक जो लगा हुआ है आपका, हाँ जी। इसमें आप क्रोम में भी फिटिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, और क्रोम का ग्रिल मिलता है आपको आगे की तरफ टोयोटा का। ओके उसके लोगों के साथ प्रोजेक्टर लैंप्स रहते हैं हमारे इस गाड़ी के अंदर। ओके और नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप मिल जाएंगे। ओके एंड अगर हम बात करें भाई इस कार में हमें हेडलाइट वॉशर नहीं मिलते हैं ना? नहीं, आपका इंडियन कार्स में कोई भी गाड़ी में हेडलाइट वॉशर नहीं है। ओके आपको और साइड मिरर यहाँ पे मिल जाता है बोनेट में, जो गाड़ी आसपास पीछे हो उसमें देखने में हेल्प मिलती है। बेसिकली ये आफ्टर मार्केट है ये? जी बिल्कुल। ओके सो अगर हम भाई इसकी बात करते हैं, अगर बैक में जब इसमें लाइट्स देखते हैं वहाँ पे एलईडी है, नॉर्मल लाइट होती है वो? इसका जो पैटर्न है लाइट का बहुत अलग है, डॉल्फिन लाइट्स भी बोलते हैं उसे। ठीक है, जो ट्यूब्स होते हैं उसके अंदर बहुत अलग लाइट्स रहती हैं। एंड विपिन भाई जो इसमें हम ये अलॉयज देख रहे हैं, अलॉयज इसमें हमें कितने इंचेस के मिलते हैं? ये आपके 17 इंच के अलॉय व्हील है, टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे परसेंट भी नहीं है। ओके गाइस टायर की कंडीशन देखिए, कंडीशन एकदम मेंट है। सो विपिन भाई अब हम अगर बात करते हैं इसके इंटीरियर की, अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे इस कार में? इंटीरियर में आपको बीच कलर का इंटीरियर मिलता है, 7 सीटर है। आपके फ्रंट रो में आप देख सकते हैं जैसे ऑटोमेटिक है ये हमारा मॉडल। ओके और इसमें आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है इस गाड़ी में, और टच म्यूजिक सिस्टम इसका आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, हाँ जी। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर। ठीक है और 4-zone एसी है, पीछे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं थर्ड रो तक। ओके और पीछे की आप बैक रो की बात करेंगे तो आर्मरेस्ट मिल जाता है बीच में आपको, एसी वेंट्स ऊपर की तरफ आप देख ही सकते हैं। ओके और फॉर्च्यूनर तो देखिए रफ टफ गाड़ी है, हाँ जी। बॉडी जो है इसकी काफ़ी हैवी बिल्ड होती है और सेफ्टी वाइज भी एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। ओके सो विपिन भाई अगर अब हम आते हैं इस कार की डिटेल्स पे, सो ये जब व्हाइट फॉर्च्यूनर देख रहे हैं चलते रहिए, कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला है? ये हमारी 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल, ठीक है। कितने किलोमीटर ड्रिवन होगी गाड़ी है? ये आपकी 85,000 चल चुकी है। 85,000। एंड अगर हम बात करें कौन सी स्टेट की गाड़ी होने वाली है? ये आपकी दिल्ली रजिस्टर्ड है। एंड अगर हम अब इसकी कॉस्टिंग पे हैं तो बाबा लग्जरी कार पे हमें ये फॉर्च्यूनर किस कॉस्ट में मिलने वाली है? बाबा लग्जरी कार पे आपको मिलती है ये 14,45,000 रुपये। 14,45,000 रुपये की? एंड विपिन भाई ये जो हम देख रहे हैं ये फाइनेंस हो जाएगी? 13 मॉडल है, बिल्कुल हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था आपको ITR होना ज़रूरी है आपका, हाँ जी। अगर आपका अच्छा ITR है तो आपका लोन आराम से हो जाएगा। एंड बेसिकली सिबिल स्कोर भी आपका डिपेंड करता है ना भाई? बैंक के काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं वेरीफिकेशन के, वो सब वेरीफिकेशन होने के बाद ही आपका लोन प्रोसेस होता है। ओके एंड गाइस बता दूँ अगर आप में से कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है इस व्हाइट फॉर्च्यूनर में, बता दूँ ये आपको फाइनेंस हो जाएगी। और अगर फॉर एग्जांपल आप कोई बाहर से बैठ के देख रहे हैं, अगर आपको एक गाड़ी लेनी है परचेज करना चाहते हो तो पर्सनल लोन लेके भी इस कार को परचेज कर सकते हैं। NOC है गाइस वो आपको बता दूँ वो विदिन आपको 15 days प्रोवाइड हो जाएगा। जी देखिए अथॉरिटी का टाइम प्रोसेस होता है, हाँ जी। हमारी कोशिश रहती है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हर अथॉरिटी का अपना टाइमिंग होता है। ठीक है जी, NOC हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम आपको जरूर करवा के देते हैं। ओके सो गाइस इस व्हाइट फॉर्च्यूनर की सारी डिटेल्स हो गई, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कार पे जो कि हमारे साथ में है। तो गाइस अभी जो आप देख रहे हैं ये आपकी आ चुकी है ग्रे फॉर्च्यूनर, जी। तो ये वाला जो शेप है ये आपकी फर्स्ट शेप है ना भाई? जी बिल्कुल फर्स्ट शेप है, और इसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हो रखे हैं, जैसे आपको फ्रंट में नज़र आएगा होगा आपका, ठीक है। इसमें आपका क्रोम का हुड लगा हुआ आगे जो एयर इनटेक है, और फ्रंट की जो ग्रिल आप देख रहे हैं ये वाली, ये आफ्टर मार्केट है,
ओके okay. काफ़ी अच्छे लुक दे रही है और ये सब हेडलाइट्स पे आप देख रहे हैं क्रोम फिटिंग। ओके सो गाइस ये तो है इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात एंड अब हम इसमें अगर साइड प्रोफाइल पे आते हैं जी बिल्कुल 17 इंच के अलावा मिलेंगे आपको इसमें और इसके भी जो टायर से काफी अच्छे परसेंट रिमेनिंग है। एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे भी आपकी जरिए आफ्टर मार्केट इसमें करवा रखा है फिटिंग ये देखिए क्रोम फिटिंग आपको साइड से मिल जाती है डोर से मिल जाती है। ओके ठीक है ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल मिलेंगी और आप डोर वाइजर्स भी देख सकते हैं। ओके एंड जिसमें हमें लाइट्स मिलती है वो आपकी नॉर्मल लाइट वो लाइट्स हैं जी ठीक है। सो अब भाई अब ये बताइए मुझे अगर हम अब इसके इंटीरियर की बात करें अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। ये भी आपका बीच कलर का इंटीरियर है बकेट सीट्स हैं इस गाड़ी के अंदर क्लाइमेट कंट्रोल इसे मिल जाता है और ये वाला ऑप्शन जो है ये 4x4 है आपको फोर व्हील ड्राइव का आप गियर देख सकते हैं अलग से और टच म्यूजिक सिस्टम आपने देखा होगा इसमें जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ओके और इसमें भी आपको 4-zone AC मिल जाता है 7-seater है हमारी कम्फर्टेबल रहती है गाड़ी रफ टफ गाड़ी है हमारी। ओके ठीक है सो गाइस अब ये सारा हमने आपको अंदर के इसके फीचर्स बता दिए अब विपिन भाई अगर हम अब आते हैं इसकी डिटेल्स पे ये फॉर्च्यूनर फर्स्ट शेप कौन सी ईयर का मॉडल है ये हमारी 2010 मॉडल है 2010 मॉडल ठीक है कितने किलोमीटर रिवन होगी भाई गाड़ी ये आपकी 85 के आसपास चली। ओके ओके सो गाइस ये भी आपकी 85,000 के जी चली है एंड ये भी आपकी 85,000 के आसपास चली हुई है एंड कौन से स्टेट की गाड़ी होने वाली भाई ये हमारी दिल्ली रजिस्टर्ड। ओके अब बाबा लग्जरी कार पे हम इस फॉर्च्यूनर की क्या कॉस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई ये आपको मिलती है बाबा लग्जरी कार पे 8,45,000 8,45,000 जी। सो गाइस एक बार बता दूं अगर आप में से कोई मेरा भाई इंटरेस्टेड है फॉर्च्यूनर लवर है तो आप इस ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं 8,45,000 है बता दूं गाइस नेगोशिएबल प्राइस है अगर आप इंटरेस्टेड हो सो एक बार यहाँ पे शोरूम पे आके विजिट करो इसकी टेस्ट ड्राइव लो डॉक्यूमेंटेशन देखो एंड बता दूं जो बेस्ट से बेस्ट होगा आपको प्राइस मिलेगा यहाँ पे है ना भाई जी। सो चलिए गाइस अब एक काम करिए वाइट की और इसकी ग्रे की डिटेल्स हो गई है अब हम आपके लिए लेके आते हैं नेक्स्ट कार और बताएंगे आपको उसकी डिटेल। सो गाइस जैसे कि वादा किया था फिर से हम ले आए और आपके लिए फॉर्च्यूनर सो ये हम आपके लिए ले हैं अब सिल्वर कलर में ले हैं फॉर्च्यूनर सेकंड शेप में। सो विपिन भाई स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल में क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं इस कार में हम देख सकते हैं ऊपर का जो एयर इनटेक हुड लगा हुआ है आपका ये क्रोम फिटिंग के साथ है। हाँ जी और स्टैंडर्ड ग्रिल जो रहती है टोयोटा में जो ओरिजिनल ग्रिल आती है वो ये वाली है। ओके सो मतलब जो ओरिजिनल जो टोयोटा में ग्रिल प्रोवाइड करते हैं वो क्रोम में ही होती है बिल्कुल ठीक है और जो हमने पहले एक ग्रे फॉर्च्यूनर में देखी थी वो आफ्टर मार्केट थी वो भी काफी अच्छी लग रही थी। हाँ जी हाँ जी और इसमें भी आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं गाड़ी में। ओके एंड गाइस ये देखिए यहाँ पे आपके आ गए प्रोजेक्टर लैंप्स जी बिल्कुल ठीक है। प्लस गाइस अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें साइड प्रोफाइल से देखिए यार बहुत मस्त है साइड प्रोफाइल इसमें भी आपको 17 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं जो कि बाकी गाड़ियों से अलग है ये ब्लैक कलर है 2014 में कंपनी से आपके ब्लैक आते थे। तो बेसिकली यार एक बार बताओ जो इसमें ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स है क्या ये आफ्टर मार्केट करवा रखे या कंपनी से ही ब्लैक कलर में आए थे? ये कंपनी से आते हैं आपके 2014 मॉडल में बट 13 में या 12 में भी लगवाना चाहे तो लग जाते हैं उसमें कोई बड़ा इशू नहीं। ओके एंड गाइस बता दूं चाहे फॉर्च्यूनर कोई भी ले ले सब में आपको 17 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं जी बिल्कुल। सो विपिन भाई चाहे हम कोई भी मॉडल की बात करें फॉर्च्यूनर की जो हम लेते हैं सेकंड शेप में सब में हमें 17 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं जी बिल्कुल ठीक है। सो अगर हम भाई इसकी बूट स्पेस की बात करें फॉर्च्यूनर में बूट स्पेस कितना मिलता है अगर 7 सीट ओपन भी इसकी होती है जब? देखिए 7 सीट ओपन के बाद बूट स्पेस आपका थोड़ा कम रह जाता है। हाँ जी मतलब एक या दो सूट के हिसाब रख सकते हैं उसमें ठीक है। फोल्डेबल सीट्स हैं पीछे की उसके बाद आपका काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है 3-4 लीटर तो आराम से बन ही जाता होगा आराम से। तो अगर अब हम बात करते हैं इसके अंदर के इंटीरियर की अंदर क्या क्या फीचर्स मिलते हैं भाई हमें इसमें आपको बीच कलर का इंटीरियर मिलता है। हाँ जी इसमें ये आपकी 4x2 है मैनुअल ट्रांसमिशन है ये और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम इसमें मिलेगा आपको। ओके और क्लाइमेट कंट्रोल एसी आप देख सकते हैं 7-seater है पीछे भी एसी वेंट्स मिल जाएंगे आपको ठीक है। एंड ये हमें मैनुअल ट्रांसमिशन है ये जी बिल्कुल मैनुअल। एंड विपिन भाई मैंने एक बात नोटिस करी है चाहे फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल है या बेस मॉडल है किसी में भी आज तक सनरूफ नहीं मिला हमें क्यों? फॉर्च्यूनर का एक स्टैंडर्ड है। हाँ जी उसको सनरूफ की जरूरत नहीं है सही बात है। सो भाई अब हम आते हैं इसकी डिटेल्स पे तो स्टार्ट करते हैं सिल्वर कलर की फॉर्च्यूनर कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला है? ये हमारी 2013 मॉडल है 2013 मॉडल। सबसे पहली बात बता दूं गाइस ये गाड़ी आपको फाइनेंस हो जाएगी एंड एक और बहुत बड़ी बात बता दूं ये गाड़ी जो है आपकी यूपी नंबर है जी बिल्कुल यूपी रजिस्टर्ड है और नंबर इससे काफी फैंसी है। हाँ फैंसी नंबर है बिल्कुल। सो अब आते हैं भाई कितने किलोमीटर ड्रिवन होगी गाड़ी है? ये आपकी 88 चली हुई 88,000 किलोमीटर ठीक है। अगर हम बात करें भाई बाबा लग्जरी कार पे हम इस सिल्वर फॉर्च्यूनर की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये आपको मिल जाएगी 11,95,000 रुपये में 11.95 लाख रुपीज़। तो गाइस सबसे पहले एक बात आप नोटिस कर लीजिए ये गाड़ी जो है आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगी अगर आपको दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स आपको जो जो चाहिए वैसे भाई ने बता ही दिए हैं लेकिन अगर आपको तब भी कोई दिक्कत आती है सो आप इनको कॉल कर लें एंड जो आप जॉब करते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ लें इनसे आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएगी बिल्कुल। तो गाइस अब हम आपकी नेक्स्ट कार पर आ चुके हैं जो कि है आपकी ह्युंडई की सेंटा फे।
अगर हम बात करें गाइस, ये भी एक काफ़ी मतलब उबर कूल लग्जरी एसयूवीज में से एक है, फीचर्स भी इसमें काफ़ी आपको बढ़िया मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसी फ्रंट प्रोफाइल से। तो विपिन भाई बताइए फ्रंट में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं क्रोम ग्रिल मिल जाता है आपको इस गाड़ी के अंदर भी। हाँ जी, हेडलाइट्स इसमें आपके प्रोजेक्टर लैंप्स हैं, HID लाइट्स हैं और काफ़ी अच्छा लुक है इन गाड़ियों का। LED फॉग लैंप्स मिलते हैं नीचे की तरफ आपको, ठीक है, जो ग्लो करते हैं HID, ये भी आपके HID लाइट्स हैं। अब हम आते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल पे। सो जिसमें अलॉयज देखने को मिलते हैं भाई, कितने इंचेस के अलॉय मिलते हैं? ये भी आपके 17 इंच के अलॉय व्हील है, ठीक है, और कंप्रेसेड आपके क्योंकि टॉप मॉडल है ये, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स मिलते हैं आपको इसमें, टर्न इंडिकेटर्स जी बिल्कुल, और क्रोम की फिटिंग आप देख सकते हैं डोर में और हैंडल में मिल जाती है आपको, और ऊपर की तरफ रूफ रेल मिल जाएगी। लेकिन विपिन भाई अगर हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि ये भी फॉर्च्यूनर की टक्कर की गाड़ी है जी, अगर हम दोनों को कंपेयर करना है मतलब हाइट वाइज ही काफी छोटी लगती है उसे फॉर्च्यूनर से। देखिए इसका बिल्ड अलग है, फॉर्च्यूनर का बिल्ड बहुत अलग है। व्हीलबेस की जो हम बात करते हैं दोनों का चेसिस काफी डिफरेंस है उसमें। ये भी आपकी 7-सीटर है, सेंटर पे भी बता देता हूँ आपको, इसमें भी पीछे आपके फोल्डेबल सीट्स रहते हैं। एंड ये बताओ जिसमें बैकलाइट्स मिलते हैं क्या वो LED है नॉर्मल लाइट्स हैं? वो LED टेल लैंप्स हैं, LED टेल लैंप्स मिलते हैं, ठीक है। और जो हमें इसमें बूट स्पेस मिलता है वो आपका ऑटोमेटिकली ओपन होता है जी, आप अनलॉक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ओपन ही होता है, ठीक है, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अब इसके अंदर के इंटीरियर की, अंदर भाई इस कार में हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं? बीच कलर का इंटीरियर आपका इसमें, हाँ जी, और सीट्स में इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है सीट्स के आपके, स्टीयरिंग में आपको मेन्यू और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, कंप्रेसेड म्यूजिक सिस्टम आप देख सकते हैं इसका, और क्लाइमेट कंट्रोल इसे मिलता है आपको, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर लीवर आप देख सकते हैं, ओके, और डीजल कार है ये, अच्छा एवरेज दे देती है। पीछे भी आपको अच्छा कंफर्टेबल स्पेस मिल जाता है, ठीक है, अच्छा हेड स्पेस और लेग रूम मिलेगा आपको इन गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। तो विपिन भाई अगर हम बात करते हैं पहले तो ये बताइए जो हम सेंटा फे देख रहे हैं कौन सी ईयर का मॉडल होगा? ये हमारी 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल जी। सो बता दो गाइस, फिर से बताना चाहूँगा गाड़ी ये भी फाइनेंस हो जाएगी? बिल्कुल। अब बात करें भाई डीजल वेरियंट है आपका जी, एंड किलोमीटर कितने ड्रिवन होगी भाई ये गाड़ी? ये आपकी 70,000 चल चुकी है, 70,000। एंड ये जो आपका नंबर है दिल्ली नंबर होगी? बिल्कुल, दिल्ली रजिस्टर्ड है, ठीक है। सो बाबा लग्जरी कार पे अब हम इस सेंटा फे की क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? बाबा लग्जरी कार पे सेंटा फे मिल जाएगी 7-सीटर आपको 13.5 लाख रुपए में, 13.5 लाख रुपए में। एंड भाई अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तो ये एवरेज क्या देती है वैसे? ये आपका 13-14 मिनिमम एवरेज दे देती है, ठीक है। एंड गाइस बता दूँ वो बेसिकली डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे। एंड गाइस एक बार बता दूँ हमने आज के लॉग में आपको ज़्यादातर जितनी भी गाड़ी दिखाई है ना, ज़्यादातर आपकी गाड़ी जो है फाइनेंस आपको इजीली हो जाएंगी बिल्कुल, चाहे आपको टोयोटा में चाहिए, आपको ह्यूंडई में चाहिए, गाड़ी इजीली फाइनेंस हो जाएगी। एंड बता दूँ गाइस अगर आप दिल्ली NCR से ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको बता दूँ इजीली फाइनेंस हो जाएगा। अगर कोई बाहर से देख रहे हैं, अगर आपको कोई गाड़ी अच्छी लगती है, आप इंटरेस्टेड है लेने में, सो आप पर्सनल लोन लेके भी कार परचेज कर सकते हैं बिल्कुल। एंड इसका हमें प्राइस है 13,50,000 जो कि नेगोशिएबल है बिल्कुल, ठीक है। सो अब हम दिखाते हैं भाइयों को नेक्स्ट फॉर्च्यूनर जो कि है आपकी ब्लैक कलर की, बिल्कुल ठीक है। सो गाइस बता दूँ फॉर्च्यूनर आपके लिए खास हम आए हैं आज के लॉग में, क्योंकि भाई काफ़ी डिमांड करता है कि भाई फॉर्च्यूनर लेके आओ, तो फाइनली मैं आपके लिए ले आया। अब ये वाली जो है ये आपकी फर्स्ट शेप है, आपको बता दूँ गाइस इससे पहले मैं आपको दो ब्लैक फॉर्च्यूनर दिखा सकता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि फॉर्च्यूनर यहाँ पे 3 अवेलेबल है ब्लैक कलर में, तो थर्ड फॉर्च्यूनर ये है। सो अब आते हैं भाई इसकी डिटेल्स पे, फ्रंट में क्या क्या इसमें फीचर देखने को मिलते हैं? आपको स्टैंडर्ड ग्रिल मिल जाता है जो कंपनी फिटेड रहता है आपका टोयोटा के लोगों के साथ, हाँ जी, प्रोजेक्टर लैंप्स रहते हैं आपके और फॉग लैंप्स देख सकते हैं, और इसमें भी आपको हुड मिल जाता है रेंटिंग जो ऊपर की तरफ। और भाई ये तो और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं इसमें? और आपको इसमें ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स मिल जाते हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं क्रोम का फिटिंग रखा है, ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल मिल जाती है। एंड जो इसमें हमें अलॉयज मिलता है वो भी आपकी फिर से 17 इंचेस, एंड टायर की कंडीशन देखिएगा मतलब अभी भाई 50-60% अभी आराम से रिमेनिंग है ना, इससे ऊपर ही है बिल्कुल, 70-80% लगे चले तो रिमेनिंग है बिल्कुल टायर। सो बात करें भाई अंदर इसमें क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं? इसमें भी आपको ये भी 4x4 है, आप गियर लीवर देख सकते हैं इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन में, हाँ जी, कंपनी फिटेड बाकी चीज़ें मिलती है आपको। सो एक बार बताओ भाई जिसमें हमें म्यूजिक सिस्टम मिलता है क्या वो आपका आफ्टर मार्केट है कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है आपका, कंपनी फिटेड है, ठीक है। एंड भाई एक बार बताओ, काफ़ी भाई वैसे पूछते हैं लेकिन तब भी आंसर पूछ लो आपसे, जो फर्स्ट शिफ्ट फॉर्च्यूनर एंड सेकंड शिफ्ट फॉर्च्यूनर है क्या दोनों की एवरेज में कोई डिफरेंस है, सेम ही होती है दोनों? देखिए इंजन सबके सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं एवरेज। अच्छा, इनकी एवरेज देती है भाई अराउंड ये दोनों? ये आपका 11-12 के आसपास एवरेज देते हैं। ओके, इन सिटी या हाईवे? सिटी। ओके, एंड हाईवे पे वो डिपेंड करता है कि जिस स्पीड पर आप चलाएंगे, बिल्कुल। अगर आप 100+ पे चलाते हैं तो फिर एवरेज कम मिलता, थोड़ा सा कम आएगा। एंड अगर आप नॉर्मल उसके नीचे चलाएंगे तो आपको एवरेज 80-90 की स्पीड पे आप कोई भी गाड़ी रखते हैं तो स्टैंडर्ड स्पीड है उसमें आपका अच्छा एवरेज निकलता है, ठीक है। तो भाई अगर हम आप इसकी डिटेल्स पे आते हैं तो ये बताइए पलते कौन सी ईयर का मॉडल होगा ये? ये हमारी 2010 मॉडल है, हाँ जी, UP रजिस्ट्रेशन है और किलोमीटर ये 78,000 चल चुकी है, ठीक है। इसका प्राइस रहेगा बाबा लग्जरी कार पे वो रहने वाला है 8,45,000।
8,45,000। सो बता दूं गाइस नेगोशिएबल प्राइस है, और बता दूं गाइस अगर आपको बजट लो भी है, सो भाई एक बार तो अगर हम यहाँ पे SUVs की बात करें, नॉर्मल SUVs की, तो स्टार्टिंग रेंज यहाँ पे कितने से होने वाली है? SUVs की जो नॉर्मल स्टार्टिंग रेंज है वो अभी फिलहाल 5+ में दूंगा, 5 लाख प्लस में आपको SUVs यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस अब इन तीनों कार्स की भी हमने आपको सारी डिटेल्स दे दी है, अब हम आपके लिए नेक्स्ट कार्स लेके आ रहे हैं, उम्मीद करते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। एंड बता दूं नेक्स्ट कार कौन सी, बता दे भैया को, वो मुझे लगता है इनको देखना ही चाहिए, है ना, देखना चाहिए ना। तो चलिए, तो गाइस अब जो मैं आपको नेक्स्ट तीन गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ वो है आपकी गाइस, एक है आपकी फोर्ड एंडेवर, एक है गाइस आपकी हुंडई की क्रेटा, एंड थर्ड है गाइस आपकी वोल्क्सवैगन की टोराग। तो विपिन भाई ये बताओ स्टार्ट कैसे करें फिर हम? सबसे पहले हम एंडेवर से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस बताओ एंडेवर भी जो है ओल्ड शेप भी हो चाहे इसकी, इसकी भी काफ़ी डिमांड होती है, आप में से काफ़ी भाई बोलते हो कि भाई एंडेवर दिखाओ, न्यू शेप जब आएगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं सोचा आपको ओल्ड शेप दिखाऊंगा क्योंकि अवेलेबल थी यहाँ पे, और ये आपकी ऑटोमेटिक है ना भाई? जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है एंडेवर का, क्रोम का ग्रिल आप देख सकते हैं फ्रंट पे। हाँ जी, और फॉग लैंप्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। एंड इसमें भी प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं? नहीं, इसमें आपका प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं आता, एक्चुअली वो बल्ब होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक येलो वाइट बोलते हैं उसको, तो आप HID बल्ब्स होते हैं वो चेंज कराना चाहे तो करवा सकते हैं। ओके ठीक है, सो अब हम आए इसकी साइड प्रोफाइल पे हैं, सो भाई कितने अराउंड कितने इंचेस के टायर होंगे? अलाविल आपको इसमें 16 इंच के अलाविल मिलते हैं। ओके, और ऑटोमेटिक साइड मिरर्स होते हैं, ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स जो कि क्रोम फिटिंग के साथ मिल जाते हैं विद इंडिकेटर्स। एंड गाइस इसमें साइड में ग्राफिक्स देखिए जो ग्राफिक्स में करवा रखे हैं। ओके ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई ये भी अभी 7-सीटर कार में ही है ना? बिल्कुल, एंडेवर 7-सीटर आती है आपकी, अच्छा स्पेस मिलता है, स्पेशियस है एंडेवर में, आप चाहे जैसे आपकी हाइट है या मेरी हाइट है कम्फर्टेबली हम लोग आराम से बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। ओके ठीक है, एंड अगर हम बात करें भाई इसमें अंदर जो हमें वो मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है जी, स्टीरियो जो मिलता है कंपनी फिटेड मिलता है? बिल्कुल कंपनी फिटेड आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको इसमें। हाँ जी, क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको इसमें, डायल्स रहते हैं। ठीक है, और ऑटोमेटिक गियर लीवर तो आप देख ही रहे हैं, और अच्छा स्पेस है इस गाड़ी के अंदर, अच्छा स्पेस मिलेगा। ओके, तो गाइस एक बार बता दूँ अगर फॉर्च्यूनर का कोई टक्कर देने वाली गाड़ी है तो वो ये है, चाहे इसका आप ओल्ड शेप देखो न्यू शेप देखो, मतलब ओल्ड शेप में भी गाइस इतनी पावर है ना, मतलब वो नहीं सकते यार, मतलब पावरफुल बहुत है ये भी गाड़ी। सो भाई अगर हम अब इसकी हम डिटेल्स पे आए हैं, डिटेल्स शेयर करते हैं, कौन सी ईयर का मॉडल होगा पहले? ये 2011 मॉडल, 2011 मॉडल। एंड कितने किलोमीटर ड्रिवन होगी भाई ये गाड़ी? ये आपकी 72,000 चल चुकी है। एंड कौन सी स्टेट की गाड़ी होने वाली भाई? ये आपकी दिल्ली रजिस्टर्ड है। ओके ठीक है, जो इसका प्राइस रहेगा बाबा लग्जरी कार पे वो रहेगा 4,45,000। सो गाइस एक बहुत ही बल्कि SUVs में से एक है फोर्ड एंडेवर, इसके लिए भी जा सकते हैं। अगर हम बात करें गाइस तो ये प्रॉपर SUV है, कहीं भी मतलब इसे हिली एरियाज पे लेके जा सकते हैं, तो ये उनके लिए गाड़ियाँ बनी क्यों भाई? जी बिल्कुल, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसको इस कार को ले सकता है। 4,45,000 जो है गाइस आपका नेगोशिएबल प्राइस है। अब बता दूं भाई ये जो गाड़ी है गाइस ये आपको फाइनेंस नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि 2011 मॉडल है। ठीक है, तो गाइस इस कार की डिटेल्स हो गई, बता दूं प्राइस जो हमने बताया वो सारा आपका नेगोशिएबल है। बिल्कुल, अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कार पे जो कि है आपकी हुंडई की क्रेटा, न्यू शेप है ना भैया? ये आपका 2016 मॉडल है। हाँ जी, बट जो इसका शेप है वो चेंज किया गया है, आगे से बम्पर और ग्रिल इसका आप देख सकते हैं न्यू शेप वाला। ओके, सो मतलब बेसिकली मतलब इसका चेंज किया गया है जी, ये फेसलिफ्ट की गई है, कंपनीज में भी आपको यही चीज़ ही मिलती है, कंपनी में भी सिर्फ इसका जो फ्रंट के हेडलाइट्स है बम्पर या ग्रिल है वो चेंज करके इसको ही फेसलिफ्ट किया जाता है, बाकी इंजन जो आपका सेम रहता है इन गाड़ियों में। ठीक है जी, तो इसमें हमें नॉर्मल लाइट्स मिलती है जी, बिल्कुल। ठीक है, अब बात करें भाई बट जो आपके फॉग लैंप्स हैं वो आपका LED फॉग लैंप्स हैं, आप देख सकते हैं ये LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं आपको। ओके ओके, तो ये आफ्टर मार्केट है या? ये आपके कंपनी फिटेड जो अभी नई गाड़ी में आ रहे हैं। ठीक है। सो गाइस साइड प्रोफाइल देखिए एक बार इसकी, एंड बता दो गाइस इसमें आपको अलॉयज नहीं मिलते, इसमें आपको हबकैप्स ही मिलते हैं। एंड अगर हम इसके बूट्स की अच्छी बात करें भाई, इस क्रेटा में बूट्स का अराउंड कितना मिल जाता है? ये अप्रॉक्स आपको 350-400 लीटर का बूट्स स्पेस मिल जाता है। ठीक है, और अगर हम अंदर की बात करें गाइस पहले एक बार इसके आप सीट कवर देखें, सीट कवर से कितने बढ़िया हैं? सीट कवर भी इसके आपके आफ्टर मार्केट है। ओके, आप डुअल टोन में देख रहे हैं इसके कॉम्बिनेशन, और कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम मिलेगा आपको इसके अंदर, टच म्यूजिक सिस्टम है। ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है आपको। और अगर हम भाई अब हम आए इसकी डिटेल पे, वैसे ये जो क्रेटा है आपकी 5-सीटर कार है ना? जी बिल्कुल, क्रेटा हमारी 5-सीटर कार है। अब इसके हम डिटेल्स पे आते हैं, तो पहले ये बताइए कौन से ईयर का मॉडल होने वाला है? ये हमारी 2016 मॉडल है। 2016 मॉडल, दिल्ली नंबर ये है? बिल्कुल, दिल्ली रजिस्टर्ड है, पेट्रोल वेरिएंट है ये वाला। ठीक है, मैनुअल ट्रांसमिशन में, और जो इसका प्राइस रहने वाला है बाबा लग्जरी कार पे वो रहेगा 8,45,000। 8,45,000। एंड एक बार बताइए ये एवरेज क्या देती है अगर हम इसकी क्रेटा की पेट्रोल की बात करें तो? पेट्रोल की एवरेज आपकी 13-14 लमसम रहती है। एंड गाइस आपको एक बार बता दूं कि ये है आपका 2016 मॉडल, तो ये भी आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगी दिल्ली NCR में। बिल्कुल, एक भाई मेरे को कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मैं हरियाणा में होता, हरियाणा को NCR में थोड़ा आता भाई? देखिए HR जो हरियाणा है वो काफ़ी बड़ा है ना, अब हरियाणा में हमारा गुरुग्राम आता है तो वहाँ के लोगों के लिए फाइनेंस हो जाएगी, उससे आगे के लिए नहीं होगी। सो गाइस एक बार बता दूं
अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो गुड़ग्राम तक आपको गाड़ी जो है फाइनेंस हो जाएगी। अगर कहीं आप और फॉर एग्जांपल कोई अंबाला में रहता है, कोई मतलब रोहतक में है, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगी, नहीं है ना भाई? बिल्कुल, मतलब ओनली गुरुग्राम तक आपको फाइनेंस हो सकती है। सो गाइस बता दूँ, दिल्ली एनसीआर के लिए फाइनेंस हो जाएगी, एंड वही बोलूँगा अगर आप इंटरेस्टेड है पर्सनल लेके इसको आप ले सकते हैं। बिल्कुल, और जो बेस्ट से बेस्ट होगा आपको प्राइस मिलेगा। यार एक बार बताऊँ, कमेंट मत करो, इससे आके यहाँ पे विजिट करो, गाड़ी टेस्ट ड्राइव लो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, गारंटी मैं दे रहा हूँ इस बात की आपको कि प्राइस आपको बेस्ट मिलेगी, है ना भाई? बिल्कुल। तो गाइस ये आपको दिखा दी, अब आपको लेके चलते नेक्स्ट कार में, जो कि आपकी वोल्सवैगन की टोरैग। भाई कलर इसका बहुत बढ़िया है, कलर होता है कलर बहुत बढ़िया है, और इसके फीचर जो लुक्स है वो भी बहुत बढ़िया है। गैस पहले एक बार इसकी आप ग्रिल देखिए, एंड इसकी एक बार लाइट्स देखिए। लाइट्स इसकी काफ़ी यूनिक है, आप देखिए प्रोजेक्टर लैंप्स है। पैटर्न जो है इसका मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, आप देख रहे हैं साथ में एलईडीज है, ये जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी पूरी एलईडीज है। डीएलआर है, जो जैसे आप हेडलाइट्स ऑन करेंगे या गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑन हो जाता है, और वॉक्सवैगन का जो क्रोम का ग्रिल मिलता है आपको, लोगो मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड गैस इसके देखिए आपको सबसे नीचे मिलते हैं आपके इसके फॉग लैंप्स, आपके हेडलाइट वॉशर जी। बिल्कुल, हम अब इसकी साइड प्रोफाइल पाते हैं, साइड प्रोफाइल भी काफी बढ़िया है, एंड जिसमें हमें अलॉयज देखने को मिलते हैं भाई 17 इंच होंगे जी। बिल्कुल, 17 इंच अलॉय व्हील मिलता है आपको इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। ऑटो फोल्ड साइड मिरर्स हैं, और सबसे ऊपर देखेंगे रॉक पैनोरामिक सनरूफ। सो भाई अगर हम इसकी बैक प्रोफाइल की बात करें, जो बैक में हमें इसमें लाइट्स मिलती है वो आपकी एलईडी है, वो बिल्कुल एलईडी टेम लैंप्स मिलते हैं आपको। ओके, ठीक है। एंड अगर बूट स्पेस की बात करें, बेसिकली इसकी आपकी 5 सीटर कार है, बूट स्पेस हमें इसमें कितना मिलता होगा भाई? इसमें आपको 450 के लगभग बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। और अब हम आएँ इसके अंदर इंटीरियर पे, अंदर हमें क्या क्या फीचर देखने को मिलता है? देखिए मैं इस कार को सीधा ऑडी Q7 से कंपेयर करूँगा, क्योंकि उसके सेगमेंट की कार है ये, और प्राइस भी जो इसका नया गाड़ी का है काफ़ी महंगा है। अच्छा, और इसमें आप देखेंगे जैसे ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं, बीच कलर की सीट्स हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स रहता है आपका इसमें, स्टेयरिंग में आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स और मेन्यू कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको इस गाड़ी में, ठीक है। और कंसोल पैनल आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लुक है, जैसे ऑडी में आता आपका, ऑडी के बराबर का ही है। सो गैस एक बार बता दूँ, ये एक ऐसी गाड़ियों में से है, मतलब इसमें ना फीचर ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको एक लग्जरी SUV में देखने को नहीं मिलेगा। और जबकि भाई बोल रहा है कि भाई ने इसको कंपेयर किया ऑडी Q7 से, मतलब ऑडी Q7 वाले फीचर सारे आपको इसमें मिलते हैं। बिल्कुल, जैसे स्टार्ट स्टॉप बटन है, और आपका स्क्रीन जैसे मिलता है आपको टच म्यूजिक सिस्टम है इससे। ओके ओके, ठीक है। और जो ऑडियो क्वालिटी है इस गाड़ी की, और कम्फर्ट लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस बता दूँ, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये एक एडवोकेट की कार है, तो वेल मेंटेन्ड कार होगी जी। बिल्कुल, है ना भाई? बता दो गैस इसकी, आप अगर आपको इंटरेस्टेड होना इसकी टेस्ट जुड़ लेना, क्योंकि गैस बताऊँ इस कार को मैंने भी ड्राइव किया है और बहुत ही स्मूथ है भाई चलने में। बिल्कुल, जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग फील है, बहुत ही शानदार। ओके, सो भाई अब हम आए इसकी मेन डिटेल पे, तो पहले ये बताइए ये कौन सी ईयर का मॉडल होने वाला है? ये आपका 2013 मॉडल है, ठीक है। डीजल वेरिएंट है, और रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो डेली रजिस्टर्ड है का, ठीक है। और किलोमीटर्स जो है आपके 70,000 चल चुके। एंड गैस बता दूँ, ये फिर से आपका 2013 मॉडल आ गया, तो ये कार भी जो है आपको इजीली फाइनेंस हो जाएगी, ठीक है। अब बाबा लग्जरी कार पे हम इस टोरैग की क्या कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? ये चमचमाती और शानदार टोरैग मिलती है आपको 16,95,000 में। 16,95,000 से गैस प्लस, एक बात बताऊँ यार, वोल्सवैगन एक बढ़िया ब्रांडों में से एक है, एक बार इसकी आप टेस्ट ड्राइव लें, और एक बार इसके इंटीरियर अंदर का देखना यार, जो फीचर इसमें आपको मिलते हैं ना, मतलब A1 फीचर है जो कि आपको ऑडी जैसी लग्जरियस SUV में देखने को मिलते हैं। सो गाइस आई होप यार आज के व्लॉग में हमने आपको स्पेशल SUV से व्लॉग था, हमने आपको हर ब्रांड की ज़्यादातर SUV दिखाई, हमने आपको वोल्सवैगन की दिखाई, हमने आपको Hyundai की दिखाई, हमने टोयोटा दिखाया आपको, हमने फॉर्चुनर दिखाई, इसके अलावा भी हम आपको और ब्रांड इन फ्यूचर दिखाने वाले यार। एट अ टाइम हमने अराउंड 9 से 10 गाड़ियाँ कवर किया, तो व्लॉग यार काफ़ी लंबा हो जाता है। SUV और भी अवेलेबल थी, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको कुछ लिमिटेड दिखाई है, 9 से 10 गाड़ियाँ। कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आप नेक्स्ट व्लॉग में कौन सी SUV या लग्जरी सेडान या सेडान देखना चाहते हैं, हम अगले व्लॉग में लेके आएंगे। प्लस गाइस कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी भी मैंने आज के व्लॉग में कार्स कवर की है, आप फॉलो कर सकते हैं बाबा लग्जरी कार को इंस्टाग्राम पे, एंड मुझे माइक सेटिंग व्लॉग को, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड कोई भी आपकी इंक्वायरी या डाउट है, आपके सामने नंबर आ रहे हैं यार, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके इनसे सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और बढ़िया से बढ़िया कमेंट करना यार। यार कमेंट क्यों नहीं करते यार, एक बार तो कमेंट करने में तुम्हारी कोई शान खींच जाएगी क्या यार? कमेंट तो क्या करो यार, क्या पता नेक्स्ट व्लॉग में आपकी फेवरेट गाड़ी आपको दिखा दे। तो चलिए यार आज के लिए इतना ही, कर देना यार बढ़िया सा कमेंट, कर देना वीडियो को लाइक कर देना यार, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते यार, तो इतना तुम्हारा फर्ज बनता है यार, क्यों भाई? जब हम भाइयों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उनका एक लाइक और एक कमेंट ही तो करना यार, और क्या मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नया धमाका लेके, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।